मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों को न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए की कटौती का तोहफा दिया है। धर्मशाला में आयोजित नारी को नमन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने न्यूनतम किराए को 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में HRTC बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट का शुभारंभ किया गया। नारी को नमन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बात देवभूमि हिमाचल की हकीकत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़कर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहरी क्षेत्रों में चलने वाली HRTC की राइड विद प्राइवेट टैक्सी सेवा के लिए 25 महिला चालकों के पद भरने की भी घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग स्थानों पर HRTC के नए बस डिपो के लिए पैसों की कमी भी पूरी की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड़िया हत्याकांड को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि ये छोटी घटना है, इस घटना ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश को हिलाकर रख दिया था। वहीं हमारी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए हिमाचल में गुड़िया हेल्पलाइन की शुरुआत भी की थी। पूरे देश में और प्रदेश में महिला पूरी आबादी का लगभग 50% हिस्सा है, कुछ जगह 50% से भी ज्यादा है। और महिलाएं अब आज के इस दौर में सिर्फ घर का ही हिस्सा नहीं रह गया, यानी कि वो घर के कामकाज को ही नहीं देखते हैं, वो घर से बाहर एक नहीं अनेक कामकाज के लिए उनको जाना पड़ता है। एक दौर था महिलाएं घर में होती थी, बाहर कामकाज करने के लिए पुरुष ही जाते थे, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज महिला रोज़गार के लिए बाहर जाती है, आज महिला अपने कामकाज के लिए घर के परिवार की ज़रूरतें जो सामान की दृष्टि से लाने की रहती हैं उनके लिए उसके लिए आना जाना रहता है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं आज कामकाजी महिलाएं जिसको हम बोल सकते हैं प्रकार से हैं पूरे देश में पूरे प्रदेश भर में। ऐसे में उनका आना जाना और ज़्यादा सहज हो, उनको आर्थिक कठिनाई का अगर सामना करना पड़े उसमें हम मदद के लिए कैसे रास्ता निकाल सके, उस दृष्टि से हमने विचार किया और विचार करने के बाद हमने एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो HRTC है चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उसमें ट्रैवल करने वाली जो बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया कम किया जाए, यानी कि आधा किराया लिया जाए। ये हमने निर्णय किया और इस निर्णय के मुताबिक नारी को नमन जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर किया उस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हो गई और कल से हिमाचल प्रदेश में सारी माताएं बहनें जो ट्रैवल करेंगी बसों में उनसे आधा किराया लिया जाए। पहले से ही घाटे में है, कैसे उभरी की हम इस बात से सहमत हैं, घाटे में है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनको बार बार बीच बीच में मदद करती है। हम और जरिया आय का क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे न्यूनतम, लेकिन इतना जरूर हम इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए विशेष तौर से थोड़ा मदद का रास्ता निकालें और कि बसों में ट्रैवल करने वाली महिलाएं वो महिलाएं जिनके पास अपनी निजी गाड़ी नहीं है, जिनकी जो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसी महिलाएं हैं और वो ज़रूरतमंद है और इसलिए ज़रूरतमंद के लिए हमारी ओर से ये मदद। मुझे बहुत निराशा हुई इस सारी बात से, मैं उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना, क्या परिस्थिति रही होगी, क्या परिप्रेक्ष्य रहा होगा, लेकिन वो सचमुच में बट इतनी बड़ी घटना होने के बाद उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करना उचित है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, कांगड़ा जिला में भी काम किया है, कांगड़ा जिला में पहले की तुलना में और ज़्यादा काम बेहतर काम किया है और ऐसे में लोगों के बीच में जाएंगे और जिस प्रकार से वो एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं किया, हम जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब उनके पास है क्या? 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनकी तो बात छोड़ी, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि 5 साल जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार की एक योजना का आप जिक्र कर पाएंगे? हम आपको इनाम देंगे कि जो योजना उनके कार्यकाल में शुरू हुई है और लोगों के दिमाग में है वो उस योजना के माध्यम से लाभ मिला है और मॉडल कह रहे हैं कि वो मॉडल वीरभद्र मॉडल, मैं उनके बारे उनके प्रति सम्मान रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ज़मीनी स्तर पर हुआ क्या?